नादौन में व्यावसायिक दृष्टि से रिवर राफ्टिंग की संभावनाएं तलाशने के लिए माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली के निदेशकों ने यहां पर एक नदी का निरीक्षण किया। कैप्टन राजेंद्र ने बताया कि तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने ब्यास नदी पर राफ्ट करके बारीकी से समस्त सुरक्षा पहलुओं का आकलन करने के साथ साथ यहां आने वाली समस्याओं और खतरों का जायजा लिया ताकि भविष्य में नादौन से देहरा तक राफ्टिंग करवाई जा सके। आज कमेटी ये आ रही है और रिवर के खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान करेगी। वो अपने टेक्निकल फॉल्ट देखेगी क्या इस रिवर में क्या है क्या नहीं, यहाँ पे कमर्शियल राफ्टिंग हो सकती है या नहीं, तो उसका निर्णय आज होगा। इसका ट्रैक संभावना है कमर्शियल राफ्टिंग अच्छी हो सकती है, बाकी तो कमेटी ही अंतिम निर्णय लेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यहाँ राफ्टिंग शुरू हो जाती है तो स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आए पर्यटक भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। लोगों का कहना है कि यह खेल अगर यहाँ शुरू हो जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी और व्यापार की दृष्टि से भी राफ्टिंग फायदे का सौदा साबित हो सकती है। यहाँ पे संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं और अगर ये केंद्र यहाँ पे खुलता है तो बेशक पर्यटन के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि जैसे ज्वालाजी में धार्मिक एक पर्यटन केंद्र है, तो यहाँ पे अगर ये साहसिक गतिविधियाँ आरंभ होती हैं तो मुझे तो लगता है कि स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ इस रिवर पे राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए आ सकते हैं। निदेशक कैप्टन RS सलूरिया ने बताया कि राफ्टिंग के लिए उपयोग होने वाले राफ्टिंग जैकेट्स और अन्य उपकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ आई तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ब्यास नदी पर राफ्ट करके बारीकी से समस्त सुरक्षा पहलुओं का आकलन कर रही है और यहाँ आने वाली समस्याएं और खतरों का जायजा ले रही है। ये नादौन से देहरा तक जो इसका फ्लो है, क्या उसमें कमर्शियल रिवर राफ्टिंग की कोई संभावना है, तो उसको हम तलाशने के लिए आए हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली फिजिकली वी विल कैरी आउट द रिकॉनेसेंस ऑफ दिस रिवर बाई डूइंग राफ्टिंग डाउन फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू फिनिश पॉइंट। तो उसमें देखेंगे कि इस रिवर के ग्रेड्स क्या हैं, क्या यहाँ पर कमर्शियल राफ्टिंग हो सकती है, क्या टूरिस्ट की सेफ्टी के क्या एस्पेक्ट्स होंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर इसमें हमें लगता है कि कमर्शियल राफ्टिंग हो सकती है तो उसके स्टार्ट पॉइंट कहाँ से होंगे, फिनिश पॉइंट कहाँ होगा। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त नियम बनाए गए हैं और उन नियमों का पालन भी सख्ती से किया जाता है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो जल्दी ही नादौन क्षेत्र के लिए यह एक बड़ा तोहफा होगा। के चैनल के लिए नादौन से संजीव बॉबी की रिपोर्ट।